are the major division in the plant and what is the basis for these division? क्या major division है जो है प्लांटी के अंदर? प्लांटी के अंदर डिवीजन क्या होता है? पहला डिवीजन होता है आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्राइडोफाइटा का, जिनके बॉडी डिफरेंशिएशन के आधार पर, इट इज़ बेस्ड ऑन द बॉडी डिफरेंशिएशन। और ये स्पोर यानी इनमें सीड नहीं होते, इनमें क्या नहीं होते? सीड नहीं होते। और सीड जिनमें होता है वो उनको कैटेगराइज किया फर्नोगम्स में और फर्नोगम्स, और इनको हमने कैटेगराइज किया था साइटोगम्स में। तो उसके फर्दर तीन पार्ट हुए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे डिटेल में तो वहाँ से आपको ये पता चलता है। और फर्नोगम्स के दो हमने क्लासिफिकेशन किए, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ऑन द क्योंकि इनमें सीड होते हैं, इनमें क्या है? सीड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पर डिफरेंशिएशन किया गया, पांच कैटेगरी यहाँ पर हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। किस बेस पे डिफरेंशिएशन होता है या अनडिफरेंशिएटेड है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बेस पर भी जो है इनका कैटेगराइजेशन किया गया, किनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हैं, किनमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट हैं। विद और विदाउट सीड भी इनका डिफरेंशिएशन किया गया, जैसे कि मैंने बताया कि इन दो, ये विद सीड हैं और ऊपर वाले तीनों विदाउट सीड हैं। थैलोफाइटा की बॉडी जो है अनडिफरेंशिएटेड होती है, ब्रायोफाइटा की सम डिफरेंशिएटेड और ये या पार्शली डिफरेंशिएटेड, और टेरिडोफाइटा की कम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। इसी तरह से वस्कुलर सिस्टम पे बेस्ड क्लासिफिकेशन किया गया, या अब दोनों में सीड होता है बट जिम्नोस्पर्म्स अलग क्यों हैं और ये अलग क्यों हैं? तो इसके सीड जो है कवर्ड नहीं होते, यानी नेक्स्ट सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, और एंजियोस्पर्म्स में सीड कवर होते हैं। तो इस बेसिस पे हमने इनको और क्लास फर्दर क्लासिफिकेशन ये किया है, वरना तो हम दो क्लासिफिकेशन करते, साइटोगम्स और फर्नोगम्स में, पर उनके फर्दर क्लासिफिकेशन अदर पॉइंट के बेसिस पर हुआ है जो कि यहाँ आपको दिए हुए हैं। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा था क्या डिवीजन है, तो डिवीजन पांचों के नाम हो गए, किस बेस पे किया है, तो इन चार बेसिस पर ये किया गया है। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।